आज हम इसके अंदर जो 4 इंच का सबवूफर लगा आता है उसकी जगह लगा देने वाले इसके अंदर एक 12 वोल्ट का डीसी मोटर। तो क्या हाल है आप सभी लोग, क्या यू व्यक्ति बड़े होंगे एकदम मस्त होंगे एंड वेलकम आपका हमारे और ताजे फ्रेश ब्लॉग के अंदर। हमेशा की तरह आज का ब्लॉग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और तगड़ा होने वाला है क्योंकि आज हमारे बीच आया भाई साहब ये वाला एक होम थिएटर। कुछ दिन पहले हमने यहाँ पे इस होम थिएटर के अंदर लगाया था 10 इंच का वूफर। इसके अंदर छोटा सा गाइस जो है ना 4 इंच का वूफर मतलब सॉरी सब वूफर लगा आता है, उस सब वूफर की जगह हमने लगा दिया था वो वाला भाई साहब 10 इंच का वूफर। बहुत तगड़ा बेस मिला था। आपने वो वीडियो देखा है तो आपको पता होगा, अगर नहीं देखा तो इसके बाद देख लेना। बट आज हम उससे भी कुछ तगड़ा करने वाले हैं। जी हाँ गाइस, आज हम इसके अंदर जो 4 इंच का सबवूफर लगा आता है उसकी जगह लगा देने वाले इसके अंदर एक 12 वोल्ट का डीसी मोटर। मस्त प्लान। जी हाँ गाइस, और देखने वाले कैसा हमें बेस देखने को मिलता है, कितना तगड़ा बेस देखने को मिलता है, बहुत ही मजा आने वाला है। इसलिए वीडियो को फुल वॉच करना, ब्लॉग को फुल वॉच करना एंड चलो फटाफट से फिर इसको खोल लेते हैं। यहाँ से ना ये खुल जाएगा, चलो फटाफट से सारे इसके स्क्रू वगैरह वो खोल लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ मेरे पास वो मोटर कौन सा है, दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे इसी के अंदर है ये बड़ा ये वाला मोटर हम लगा देने वाले हैं इस होम थिएटर के अंदर। तो देखने वाले हैं कैसा बेस देखने को मिलता है, ठीक है, बहुत ही मजा आने वाला है। चलो इसके कनेक्शन भी करने हैं और पहले ऐसा करते हो इसको खोल लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद इसके कनेक्शन करेंगे। तो फाइनली गाइस इसको मैंने खोल दिया, देखो यहाँ पे, और इसके दिखा देता हूँ सबवूफर कहाँ पे लगा हुआ है। थोड़ी फ्लैश लाइट भी जला लेता हूँ। हाँ अब देखो भाई साहब वो लगा हुआ इसका काफी मस्त सबवूफर जो कि मेरे को काफी बड़े क्वालिटी का लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो ये वायर लगे हुए सबवूफर के, यहाँ से हमें हटाने पड़ेंगे। यहाँ पे ना जॉइंट डाल रखा है मैंने क्योंकि आपको पता है मतलब काफी टाइम पहले हमने वो वाला सबवूफर डाला था जब, तो भाई साहब तब इसको कट किया था, उससे पहले आज तक मैंने इसको कट नहीं किया था, ठीक है। तो चलो आप लोगों के लिए करता हूँ लाइक तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और हो सकता है आज के इस एक्सपेरिमेंट के चक्कर में मेरा ये होम थिएटर खराब हो जाए क्योंकि ये होम थिएटर एकदम मस्त चलता है, काफी तगड़ा इसका साउंड भी है एंड इसके अंदर 5-5 ट्वीटर भी लग रखे हैं देखो यहाँ पे। तो ये मतलब जो ना होम थिएटर काफी ज्यादा मस्त एंड काफी ज्यादा पुराना भी है तो काफी मस्त साउंड है इसका। बट आज हम जो मोटर लगाने वाले हैं हो सकता है इससे इसकी बोर्ड वगैरह उड़ जाए या फिर इसकी आईसी उड़ जाए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। चलो ट्राई करके देखते हैं, आपके लिए करो लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो। फटाफट से इसके कनेक्शन इसके साथ कर लेता हूँ, ये सोल्डिंग आयरन आ चुके और इसके वायर कनेक्ट कर लेता हूँ इसके साथ। तो फाइनली ये कनेक्ट हो चुका है, थोड़ा हीट होने के लिए लगता हूँ, फिर इसके कनेक्शन इसके साथ कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ डायरेक्ट कनेक्शन करने के बाद। तो फाइनली गाइस यहाँ पे मैंने जो ना मोटर कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे देखो बोर्ड के साथ मैं फ्लैश लाइट फिर से जलाता हूँ, देखो यहाँ पे ये जा रहा है यहाँ पे सब ऊपर के वायर बोर्ड के अंदर, ठीक है। तो चलो फटाफट से बारी है मोमेंट ऑफ ट्रुथ की, क्या होता है देखने वाला कितना तगड़ा बेस मिलता है, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेस तो क्या ही मिलेगा इसे, बट ये देखने वाले हैं ये मोटर का रिएक्शन कैसा रहता है, जो मोटर है वो किस तरीके से रिस्पॉन्स देती है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे जो ना टेप ले आता हूँ भाई साहब, टेप लगा लेता हूँ वरना अगर शॉर्ट होगा तो बोर्ड खराब हो सकता है। तो फटाफट से यहाँ पे जो ना इनके ऊपर टेप लगा लेता हूँ। तो चलो भाई साहब टेप लगा देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या रहता है। और मेरे को तो भाई साहब एक चीज का डर है कि पहले तो हमने सब वूफर मतलब वूफर लगाया था काफी टाइम पहले, तो भाई साहब उससे तो ये खराब हुआ नहीं, बट अब जो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ हो सकता है इससे जरूर खराब हो सकता है, मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है कि इससे खराब हो जाए, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम देखते हैं क्या रहता है। उससे पहले यहाँ पे गए जो ना ये स्पीकर भी निकाल लेते हैं क्योंकि मैं आपको जो ना स्पीकर भी चला के दिखाऊंगा। जी हाँ गाइस, साथ साथ स्पीकर चलेंगे क्योंकि आपको पता है ये जो सबवूफर है ये सिर्फ और सिर्फ बेस के लिए लगाया जाता है। चलो यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे इसके साथ ताकि आवाज वगैरह हमें पता चल सके और आपको पता चल सके कि गाना प्ले हो रहा है, और जब बेस आएगा तो यहाँ पे ये मोटर रोटेट करेगा। जी हाँ गाइस, तो बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि आपको पता है इस होम थिएटर का बेस बहुत तगड़ा होता है, मतलब होम थिएटर का बेस बहुत तगड़ा होता है, ठीक है। तो इसलिए जब मतलब तगड़ा बेस आएगा तो भाई साहब ये मोटर कितना तगड़ा रोटेट करेगा, ठीक है। तो ये देखने वाले हैं, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलो फाइनली सारा सेटअप डन, यहाँ पे मोटर आ चुका है सबवूफर की जगह और यहाँ पे 2 ट्वीटर आ चुके हैं ताकि आवाज हमें सुनाई दे कि गाना बज रहा है या नहीं बज रहा, और ये रहा मेन पावर तो इसको लगाऊंगा। उससे पहले यहाँ से हाँ बंद है भाई साहब, यहाँ से बंद है और इन सामान को साइड रख देता हूँ।
जैसे कनेक्ट करूंगा तो ये हाँ लग गया। अब भाई साहब सिर्फ और सिर्फ इसको ऑन करना बाकी है, बट उससे पहले मैं दूसरा फोन लेके आज मतलब लेके आता हूँ ताकि आपको मतलब यहाँ पे कनेक्ट करके गाने वगैरह बजा के दिखा सको। तो फाइनली गाइस फोन लेके आ चुका हूँ भाई साहब। चलो अब करते हैं भाई साहब टेस्टिंग की और कुछ भी हो सकता है। चलो इसको ऑन करता हूँ और भाई साहब ये तो नहीं चला, ठीक है आगे का कार्ड भी नहीं चला, ये क्या हो गया? ये तो चला ही नहीं। ओहो हो मैं तो भूल ही गया गाइस कि इसके अंदर कनेक्शन ही नहीं कर रखे। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रही है गाइस। काफी टाइम पहले मैंने इसके अंदर से सारा सामान निकाल दिया था क्योंकि मैं कुछ प्रोजेक्ट बना रहा था और मतलब आपको पता है एम्पलीफायर बना रहा था उसके अंदर जो है ना सारे वायर वगैरह निकाल के इसके मतलब इसके सारे वायर निकाल के उसके अंदर लगा दिए, तब मेरे पास फिलहाल वायर नहीं थे और अब क्या करना पड़ेगा मेरे को इसके अंदर दोबारा कनेक्शन करने पड़ेंगे। जी हाँ गाइस तभी आपको टेस्टिंग करा के दिखा पाऊंगा। चलो फटाफट से भाई साहब यहाँ पे वायर वगैरह कट कर रखे है, इनको लगाना पड़ेगा। चलो क्या कर सकते हैं, करना पड़ेगा। चलो फिर कर लेता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ। तो फाइनली गाइस मैंने इसको एकदम मस्त सही कर दिया, ठीक है सारे कनेक्शन इसके कर दिए सही। आपको इसको खोल के भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो भाई सब सारे कनेक्शन डन हो चुके हैं, बट यहाँ पे इसको सही करने में ना मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगा, ठीक है लगभग आधा घंटा फालतू में चला गया। चलो अब क्या कर सकते हैं, आपको अच्छे से दिखाना था तो मेरे को इसको रिपेयर करना पड़ा। चलो यहाँ पे इसको चलाता हूँ भाई साहब। देखो यहाँ पे मोटर रोटेट किया, ठीक है क्योंकि आपको पता है जब ये चलता है ना। ओ गाइस ब्लूटूथ मोड बोला इसने। चलो यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, यहाँ पे यहाँ से आवाज आ रहा है गाइस, यहाँ से नहीं आ रहा, यहाँ से आ रहा है। चलो म्यूजिक प्ले करता हूँ, 3 2 1 जो भी होगा आपके सामने होगा। पहले लाइक दबा दो, सब्सक्राइब कर दो, 3 2 1 प्ले करता हूँ। यहाँ पे मोटर देख सकते हो कुछ इस टाइप से रिएक्ट कर रहा है, बट यहाँ पे स्पीकर नहीं चल रहा यार, कुछ तो गड़बड़ है। चलो इसको बाद में देखते हैं, पहले यहाँ पे इस मोटर का आप रिएक्शन देखो, क्योंकि हमने यहाँ पे आज का जो एक्सपेरिमेंट है ना वो इस मोटर और होम थिएटर के साथ था, ये तो मैंने ऐसे ही लगा दिए थे। चलो इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम होगा वो यहाँ पे ना यार मैं आपको बताता हूँ ये क्यों नहीं चल रहे, इसका भी एक रीजन है। यहाँ पे ना ये सॉकेट यहाँ पे देखो ये हिल रहा है ना, तो ये बस यहाँ पे ये खराब है, ठीक है तो यहाँ पे देखो ये हिल रहा है तो ये खराब है, तो ये जब सही हो जाएगा तो अभी स्पीकर चल जाएंगे, तो अभी नहीं करूंगा। चलो यहाँ पे यही देख लेते हैं, ठीक है यहाँ पे ये वाला नजारा देखो, यहाँ पे आवाज बढ़ाता हूँ, आवाज तो फुल है, ठीक है यहाँ से भी फुल है और ये देखो बेस फुल है, मोटर कुछ इस टाइप से रिएक्ट कर रहा है। मैं आपको साइड से दिखाता हूँ, और इसके अंदर से आवाज भी आ रहा है म्यूजिक का, देखो जब मैं छोड़ूंगा तो आवाज ज्यादा नहीं आएगा, जब मैं इसको अच्छे से प्रेस करके रखूंगा, जब जैसे मैं टेबल के साथ इसको प्रेस कर रखता हूं तो आवाज ज्यादा आ रहा है। जी हाँ गाइस देखो यहां पे छोड़ूंगा तो आवाज अच्छे से नहीं आ रहा, बट जैसे इसको प्रेस करके रखूंगा तो आवाज काफी मस्त आ रहा है, काफी वाइब्रेशन है, ठीक है गाइस यहां पे देखो। तो कुछ इस टाइप से होता है जब गाइस हम जो है होम थिएटर में सब ऊपर की जगह मोटर को कनेक्ट करते हैं, ठीक है यहाँ पे देखो जैसे जैसे बेस बढ़ रहा है ना भाई साहब वैसे वैसे ये इसका रोटेशन भी बढ़ रहा है, ठीक है वैसे वैसे इसका वाइब्रेशन भी जा रहा हो रहा है। और मैं आपको यहाँ पे फ्लैशलाइट जला के इसके अंदर का आर्मेचर दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे भाई साहब क्या ही ये कर रहा है, ठीक है तो ये सब हमने देखने को मिल रहा है और यही हम देखना चाह रहे थे कि क्या होता है। और यहाँ पे जब ऐसे प्रेस करके रखूंगा तो आवाज देखने को मिलती है, ठीक है तो यहाँ पे गाना खत्म और हमें पता चल गया ये होता है जब हम उसको सबवूफर की जगह यहाँ पे मोटर कनेक्ट कर दे। अगर यहाँ पे इस मोटर को हम यहाँ पे स्पीकर की जगह कनेक्ट कर दे ना तो भाई साहब हमें काफी बढ़िया साउंड मिलता, बट आपको जैसे कि पता है कि यहाँ पे होम थिएटर के अंदर जो सबवूफर लगा रहता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बेस आता, आवाज नहीं आता, आवाज के लिए ट्विटर लगाए जाते हैं, तो यहाँ पे वो जो बेस था ना वो बेस की जगह यहाँ पे वाइब्रेशन आ रहा है, ठीक है तो यहाँ पे म्यूजिक खत्म हो चुका है। यहाँ पे पीछे करके दोबारा प्ले करता हूँ, देखो यहाँ पे ये बेस ही है गाइस, ठीक है ये बेस है, तो बेस की जगह सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमें रोटेशन देखने को मिल रही है जो कि कुछ स्टेप से ये काम कर रहा है, ठीक है और अगर मैं इसको प्रेस करके रखूंगा
तो हमें आवाज भी देखने को मिलता है, ठीक है, मतलब ज्यादा नहीं हल्का फुल्का आवाज आता है, ज्यादातर इसका बेस ही है, ठीक है सही। तो चलो फिर मिलता आपको जल्दी, देव लॉक करते, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।